नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश सोनारे जी के पास आए हैं। आप काफ़ी लंबे समय से त्वचा के क्षेत्र में चिकित्सा करते आ रहे हैं और सर के पास आने वाले कई मरीजों को काफ़ी फायदा हुआ है और वर्तमान समय में युवाओं में बाल गिरने की और बाल सफ़ेद होने की समस्याएँ काफ़ी आ रही है और साथ ही त्वचा से संबंधित भी कई बीमारियां सामने आती रही हैं। तो कई मरीज सर के पास आते हैं और प्रतिदिन सर कई लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो इसी बारे में हम, इस तरह की समस्याएं क्यों होती हैं त्वचा से संबंधित, तो इसी बारे में हम सर से बात करने के लिए आए। सर नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्ते नमस्ते जी सर। सर ये आजकल जो देखा जा रहा है वर्तमान समय में, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके भी बाल या तो झड़ जा रहे हैं या फिर उनके बाल सफेद होने की समस्या हो जा रही है, तो सर ये किन कारणों से होता है सर, मैं इस पर मेरा पहला आपसे सवाल है सर। आजकल क्या है कि देखा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत छोटे, 10-12 साल की एज में ही थोड़ा सा बाल झड़ने का थोड़ा सा बढ़ गया है, बाल सफ़ेद होने का बढ़ गया है, तो इसका सबसे पहला कारण तो है कि न्यूट्रिशन की कमी। क्या होता है कि बच्चे खाने में पोषक तत्व नहीं खाते हुए थोड़ा फास्ट फूड की तरफ बढ़ जाते हैं या हरी सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तो कुछ ना कुछ कमी के कारण उनमें ये चीज़ें देखी जाती है। जैसे बाल सफ़ेद होने का भी प्रमुख यही कारण है कि कमी के कारण। एक जो होते हैं कि उम्र के हिसाब से होते हैं वो 30-35 साल के बाद में होते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है, वो सभी के होते हैं, वो उम्र के हिसाब से होते हैं, एजिंग बोलते हैं जिसे। लेकिन जो कम उम्र में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कमी के कारण होते हैं। तो 10 में से 9 पेशेंट ऐसे ही होते हैं कि जिनमें कमी के कारण, और एकाध पेशेंट ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक कारणों से होते हैं कि वंशानुगत होते हैं, तो वो एकाध पेशेंट होते हैं। तो थोड़ा सा ये सभी को ध्यान देना चाहिए कि खाने की आप क्या ले रहे हैं, आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन हो, विटामिन हो, बराबर मात्रा में सभी चीज़ें ले, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से लें। ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खाना है या विटामिन ही विटामिन खाना है, तो ऐसा भी नहीं करना है। सब चीज़ें बराबर जाए शरीर की, क्योंकि चमड़ी हो, नाखून हो, बाल हो, कुछ भी हो, तो ग्रोथ के लिए उसे सभी चीज़ें चाहिए। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही ट्रीटमेंट जो खाने में आप लेते हैं उन सबको देखना चाहिए। आपको फ्रूट्स बराबर खाने हैं, आपको सब्जियां बराबर खानी है, हरी सब्जियां ज़्यादा ले तो बहुत ही बेहतर रहेगा, फ्रूट्स भी सारे ले, सीजनल जैसे आते हैं उस हिसाब से आप लेते रहें। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर आपको सिर्फ विटामिन सी की चीज़ ज़्यादा खानी है या कोई चीज़ ज़्यादा खानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी चीज़ प्रॉपर मात्रा में लेते रहें तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होती है सब। सर ये बाल गिरने और झड़ने की जो समस्या है, तो यदि इससे संबंधित लोग आपके पास किस स्टेज में आ जाए ताकि उनका इलाज आपके चिकित्सा में संभव हो सकता है सर, आपके हिसाब से? जैसे क्या रहता है कि दिन के 10-15 बाल झड़ना नॉर्मल बात होती है। हम सोचते हैं कि हम कंघी कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो बाल आ रहे हैं, 2-5 बाल आ रहे हैं, वो चीज़ें नॉर्मल होती है। एक बालों का क्या होता है कि एक लाइफ साइकिल होती है कि पहले बाल जड़ से निकलेगा, थोड़े दिन रहेगा और झड़ जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद फिर से उसमें से बाल उगेगा। तो वो जो एक झड़ने का चक्र चलता है वो एक नॉर्मल चीज़ है। तो अगर आपके 10-15 बाल झड़ रहे हैं डेली तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन वही जैसे कि नंबर बढ़ जाता है कि ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा गंभीर होने की आवश्यकता है। तो आप सबसे पहले तो अपने खान पीन सुधार लीजिए, अगर सब सही है फिर आपको लगता है कि नहीं, आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो तुरंत आप सही चिकित्सक को दिखा के परामर्श लीजिए। क्योंकि क्या है कि कई बार होता है हम खा पी सब रहे हैं लेकिन क्या होता है कि शरीर में कुछ कोशिकाएं या ऐसा कुछ रहता है कि जो कि वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो आप उसके लिए राय ले सकते हैं आपसे डॉक्टर से, तो वो आपको वो भी प्रॉपर बताएंगे कि हाँ मैं सब चीज़ें खाता हूँ लेकिन मुझे क्या है कि फिर भी दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है, कोई न्यूट्रिशन कोई विटामिन की कमी हो तो उसको दवाइयों के जरिए फिर पूरा कर दें। कई बार होता है कि दो ऐसी चीज़ें खाने से कि एक साथ खाने से दो चीज़ें वो दोनों का असर खत्म हो जाता है, तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ लेनी है या आप सोचे कि सब चीजें हम इकट्ठे खा ले, सारी गोलियां इकट्ठे खा ले और हम ठीक हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो वो उसके लिए थोड़ा सा आप सही परामर्श ले। सर कई लोगों को सर ऐसा लगता है कि ये जो त्वचा संबंधी जो बाल गिरने की या बाल सफेद होने की जो समस्या है, तो इसका इलाज सर काफी महंगा होता होगा, इसलिए भी कई लोग नहीं आ पाते, तो इसमें सर वस्तु स्थिति सच्चाई क्या है सर? कम बजट किसी के पास, कम खर्च हो उसमें भी सर क्या इसका इलाज पॉसिबल है सर? ये तो थोड़ा सा है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो त्वचा से रिलेटेड चीज़ें होती है या आप बोले बालों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये सौंदर्य वाली चीज़ों में जाती है। मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट की भी हम बात करें तो क्या होता है कॉस्मेटिक चीज़ों पे GST ज़्यादा लगाया जाता है, तो एक्चुअली तो थोड़ा सा महंगा ही होता है स्किन का ट्रीटमेंट।
तो वही, लेकिन फिर भी मतलब एक सामान्य व्यक्ति उसको एफोर्ड, सामान्य व्यक्ति भी अफोर्ड कर सकता है, क्या है कि कुछ ना कुछ अपन ये कर सकते हैं कि कुछ सामान्य तरीके की दवाइयों से भी कुछ कुछ काम हो जाता है। अब जहाँ पे लगता है कि हाँ कोई बीमारी है पर्टिकुलर, यही दवा देनी है गंभीर लेवल पे, तो फिर तो आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल बजट में भी आप, जैसे आप दिनचर्या की बात करें तो आप दिन में मतलब अपने स्किन के ऊपर आप एक दिन में क्रीम लगाते हो, एक रात में लगाते हो, एक कुछ फेस वॉश यूज करते हो, तो आप सामान्य करते हो, तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा कॉस्ट का आप अच्छा यूज कर सकते हो, तो मतलब आप मेंटेन कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि काफी ज्यादा महंगा होता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो है कि अगर आप ज्यादा सौंदर्य के पीछे पड़ रहे हो कि ज्यादा आपको कॉस्मेटिक वाली चीजें लेनी है, तो फिर वो थोड़ी सी ज्यादा महंगी भी आती है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि सर गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे समय में सर शरीर से पसीना निकलने के बाद कई लोगों को खुजली या इससे रिलेटेड कुछ समस्याएं होती हैं, तो सर गर्मी के मौसम में किस तरह की सावधानियां रखी जानी चाहिए अपने स्किन को लेके, और क्या बचाव किए जाना चाहिए, और ऐसे गर्मी के मौसम में त्वचा से संबंधित कौन सी बीमारियां होती हैं जिसको रोका जा सकता है, कुछ सुधार करके, कुछ बचाव करके, इस बारे में सर विस्तार से बता दीजिए। अभी जैसे गर्मियों में क्या है कि धूप ज़्यादा बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा धूप की एलर्जी वाली समस्या शुरू होती है। हालांकि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तब ऐसा नहीं होता है, अल्ट्रावायलेट ज़्यादा रहती है उसके कारण होती है ये सारी चीज़ें। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप धूप में निकल रहे हैं तो या तो सनस्क्रीन क्रीम आप लगा के निकला करें जी, और वैसे तो सनस्क्रीन क्रीम आप रेगुलर लगाएं क्योंकि कहीं ना कहीं निकलना ही होता है जी। थोड़ा बहुत हम जो करते हैं कि मुंह ढाक के निकलना, गाड़ी पे हेलमेट लगा के निकलना, वो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों के फायदे हैं ढाक के निकलने के जी। तो उन सब चीज़ों से आपको फायदा हो सकता है जी। अब गर्मियों में ये है कि पसीना ज़्यादा आता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पसीना आया आप तुरंत रुमाल निकाला और उसको घिसने लग गए, घिसना नहीं है, कभी भी आप पोंछते हैं तो उसको टैप करके ऐसे हल्के हाथों से पोंछना है, तो उससे क्या रहता है पसीना रहता है, मतलब वो सोडियम क्लोराइड रहता है, नमक टाइप का रहता है, तो आप उसको घिसेंगे तो वो स्किन के पोर को ब्लॉक करेगा, कुछ ना कुछ वो इफेक्ट करेगा जी। तो आप उन चीजों का ध्यान रखें कि आप ऐसी गलतियां ना करें जी। बार बार पसीना आता है, बार बार हल्के हाथों से ही पोंछें, कभी ऐसा नहीं करें। ठंडे पानी से आप मुंह धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बार बार धो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पसीना एक जगह इकट्ठा न रहे इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कई बार होता है कि जैसे ऐसी जगहों पर जहाँ पे फोल्ड एरिया होते हैं या अंदरूनी हिस्से होते हैं वहाँ पे पसीना इकट्ठा होता है, अब पसीना इकट्ठा होगा नमी होगी तो फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांस होंगे, तो फिर वो उसके लिए समस्या होती है। तो कपड़े भी ऐसे पहनने हैं हमें कि हवादार रहें, फुल पहने हवादार पहने कि पसीना एक जगह इकट्ठा ना हो, कुछ ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। सर ये दांत खाज खुजली करके भी जो समस्याएं होती हैं, तो गर्मी के मौसम में जो पसीना की समस्या बढ़ती है तो इस तरह की बीमारियां होने के संभव पॉसिबिलिटी बढ़ती है। दांत नमी, हाँ दांत बेसिकली क्या है कि एक फंगस है, तो फंगस कहाँ ग्रो करती है, जहाँ पे नमी होती है, तो या आप पानी से भी गीला रखेंगे किसी एरिया को या पसीने से गीला रखेंगे तो वहाँ पे फंगस ग्रो कर सकती है, तो वहाँ दांत हो सकती है, तो वही ध्यान रखना है कि पसीना भी ज्यादा देर इकट्ठा ना हो जी, इस चीज का ध्यान रखना, कोई समस्या नहीं, इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। सर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो हमारे इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।